नमस्कार, मैं ममता चौरे, निमाड़ी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे निमाड़ी स्टाइल की खड़ी मसूर, या जिसे हम साबुत मसूर भी कह सकते हैं। आमतौर पर जो लाल लाल रहती है उसी का यह खड़ा रूप है। तो हम हमारी खड़ी मसूर बनाना शुरू करते हैं। गैस पर हम 2 कप पानी रखेंगे। ये मैंने 1 घंटे के लिए साबुत मसूर को भिगा के रख दी थी। भिगी हुई मसूर इस तरह से फूल चुकी है। अब इसको हम 2 कप पानी के साथ में 2 सीटी आने तक प्रेशर कुक करेंगे। हमारी 2 सीटी आ चुकी है। हम आधे मिनट के लिए गैस को धीमा कर देंगे और गैस बंद कर देंगे और कुकर के ठंडा होने का इंतजार करेंगे। 2 सीटी आने के बाद हमारी दाल इस तरह से पक चुकी है, थोड़ी नरम हो चुकी है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसके झोंक की तैयारी करेंगे। पैन में सबसे पहले तेल डालेंगे। लगभग 1.5 चम्मच तेल मैंने इसमें लिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। हम आज धीमी कर देंगे। 1/2 चम्मच डाई और 1/2 ही चम्मच जीरा डालेंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च कम तीखी है, आप अपने स्वाद के अनुसार से कम अधिक कर सकते हैं। सिर्फ राई जीरे और सूखा धनिया के साथ ही हमने इसका तड़का किया है। ये मैंने 1 खड़ी लाल मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3-4 लहसुन की कलियों को इस तरह से बारीक पीस लिया है। हमें इसे हमारी खड़ी मसूर में कच्चा ही डालना है। इस तरह से हम उबलती हुई दाल में इसे कच्चा डाल देंगे। हमने इसे तेल में भुना नहीं है, इसमें इसका कच्चा स्वाद ही अच्छा लगता है। हम ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी डालेंगे, लगभग 1/2 कप पानी और डालेंगे। सारे मसालों के साथ खड़ी मसूर को अच्छी तरह पकाएंगे। ये इस तरह की जो लाल दाल रहती है उसी का यह खड़ा रूप है। यह बहुत स्वादिष्ट लगती है। ये मैंने 4-5 इमली के टुकड़े पहले से पानी में भिगा कर रखे थे, हम इसको इसमें डाल देंगे। यदि पहले से भीगी हुई इमली न हो तो आप दाल पकाते समय भी इमली के टुकड़े डाल सकते हैं। इस मसूर में खटाई के रूप में इमली का ही टेस्ट सबसे अच्छा लगता है। धीमी आंच पर इसे पकने देंगे। नमक भी लगभग 1.5 चम्मच या अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। नमक को हम दाल को पकाते समय भी डाल सकते हैं, पर कई बार दाल पूरी तरह से पक नहीं पाती, इसलिए हमें नमक बाद में ही डालना पड़ता है। इसे 2 मिनट उबाल के फिर गैस बंद कर देंगे। हमारी दाल तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें लगभग 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और कटा हुआ हरा धनिया डालकर गैस बंद कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करके हम 1 मिनट के लिए इसे ढक देंगे, फिर सर्व करेंगे। अब हम इसे राई जीरे के तेल के साथ, ज्वार की रोटी और कच्चे फोड़े हुए प्याज के साथ सर्व करेंगे। राई वाला तेल बनाने की और ज्वार की रोटी की विधि आप मेरे अमाड़ी की भाजी वाले वीडियो में देख सकते हैं। हमारी निमाड़ी स्टाइल की बहुत ही स्वादिष्ट खड़ी मसूर या साबुत मसूर की सब्जी बनकर तैयार है। मैं चाहती हूँ कि आप भी इसी तरह खड़ी मसूर बनाकर अपने सुझाव मुझे देंगे। मेरे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।